हमने तो अभी अपना तर्क रखा है कि बस कोर्ट में जाया गए वकील सुन्नी मुसलमानों ने और कब्जा कर लिया वहाबियों ने, यह आस्थाने गरीब नवाज का आस्थाना किसका है, महबूबे इलाही का आस्थाना किसका है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का आस्थाना किसका है, पैदाइश शहीद सैयद सरदार मसूद गाजी का आस्थाना किसका है, वारिस अली शाह का आस्थाना किसका है, ये सब सुन्नियों का है ना। लेकिन पूछ लो ये नाजिम बनकर, ये रिसीवर बनकर, ये एडमिनिस्ट्रेटर बनकर, ये मुतवल्ली बनकर, ये दीवान बनकर, ये वहाबी क्या कर रहे हैं, कितना बड़ा सितम है इस मजलूम सुन्नियों के साथ कि हमारे आस्थाने भी हमारे न रहे। इन पर 13% बहादुर ने कब्जा कर लिया। अगर हम अपने मुतालबात के लिए आवाजें खोले तो मिल्लत में निफाक की बात की जाती है। सुभान अल्लाह, क्या इत्तेहाद की शक्ल पेश की है तुमने, तुम हमारे घरों को लूटते रहो हम खामोश बैठे रहे, तो मिल्लत का इत्तेहाद है और हक के लिए अगर बोल रहे तो मिल्लत का निफाक है। ऐसे इत्तेहाद की मिल्लत को हम सलाम करते हैं। अरे मिल्लत के इत्तेहाद हमारे दम से, हमारे दम से, इसलिए कि हम अच्छी फिक्र है और बहन जी काला सुन्नत के इत्तेहाद है कि तुम हमारे छोटे मोटे आप उसकी जरूरत को देखकर हम बड़े खुश हो गए। आज देख नहीं रहे हो ये मजमा की स्टेज, हर रंग के फूल भी है, रिजवी भी है, बरकाती भी है, चिश्ती भी है, निजामी भी है, सरफी भी है, सरफी भी है, सुहावर्ती भी है, कादरी भी है, शहबाजी भी है, उलाई भी है, अशरफी भी है। प्यारे देख लो आज तो बहुत मायूस हुए होंगे और इंशाअल्लाह माला ताला उलमा मशायख कोर्ट का तो ये अज़्म पैगाम है कि सुन्नियत में इत्तेहाद हमें हर हाल में कायम करना है और इंशाअल्लाह माला ताला अब तुम्हें हम कभी खुश नहीं होने देंगे। अब हिसाब किताब के अय्याम शुरू हो गए। 60 साल तक भारत के सुन्नी मुसलमानों के हुकूमत पर डकैती डालते रहे, हम खामोश रहे, जुल्म बढ़ता गया, सब्र की हमारे भी इंतहा हो गई। जब इन्होंने हमारी मसाजिदों पे टपला शुरू कर दिया, बेचैन होकर हम बाहर निकले। आज दुनिया के सामने अपना ये दर्द लेकर आए हैं। ये गरीब सुन्नी मुसलमानों के दर्द को भी देखो, 65 साल भारत की हर कम्युनिटी इन 65 सालों में अपना हाथ पा चुकी है। दलित समाज से लेकर अपर कास्ट के लोगों तक को सबको उसका हक मिल गया। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी कौम भारत की जिसे मुसलमान कहते हैं और मुसलमानों में सबसे बड़ी कौम 80% सुन्नी मुसलमान, प्यारे कितना बड़ा हादसा है कि सबको तो हक मिल गया लेकिन 80% सुन्नी मुसलमान इन 65 साल भारत को आजाद होने के बावजूद भी आज तक उसको उसका हक नहीं मिला। सुन्नी मुसलमान कोर्ट ये इरादा कर चुकी है कि इंशाअल्लाह मौला ताला आपका साथ नहीं ही मिला। हमारे उलमा जो एक कदम से कदम मिलाकर चलते रहे तो इंशाअल्लाह मौला ताला हम इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर आगे रफ्तार को हासिल करके रहेंगे। एक बात हम आपसे और कह देते हैं, सारे सुन्नी मुसलमानों से, आप यहां पर जमा हो नबी की उम्मत हो, उस नबी की उम्मत जिसकी आमद ने दुनिया में अमन सुकून कायम कर दिया, आप उस नबी की उम्मत हो जिसकी आमद से सिसकती भी इंसानियत को एक मजबूत सहारा मिल गया, आप उस नबी रहमत की उम्मत हो
जिसकी आमद से मजलूम इंसानियत को एक मजबूत सहारा मिल गया। प्यारे, इसलिए आपके हर अमल में, हर एहतमाम में अखलाक और तहजीब होनी चाहिए। आप पुराम अंदाज में आए हैं, पुराम अंदाज में बैठे हैं। अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है, अभी प्रोग्राम बहुत बाकी है। मेमोरेंडम पेश किया जाएगा, उसे आपको सुनना है। मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा कि आप जिस सलामती के साथ आए हैं, उसी सलामती के साथ अपने घरों को लौटना है। इंशाअल्लाह आप यहां आ गए, आपका आना काफी है। अब आपकी लड़ाई ये उलमा मशाइख बोर्ड लड़ रहा है, इंशाअल्लाह आगे की लड़ाई ये लड़ता रहेगा। मेरे बाद अशरफ मियां साहब आ रहे हैं, आप उनकी जुबानी आगे के प्रोग्राम को समाप्त फरमाइए। इस फकीर अशरफ जी को इजाजत दीजिए। वाह।